हेलो दोस्तों, राहुल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के ब्लॉग में ये है कि मैं अकेला ही नींद रहा हूँ। खेती का काम जैसे तुअर है, इसमें ये चारा हो रहा, चारा नींदना ऐसा काम चल रहा। अभी मैं अकेला ही रह गया। मेरे साथ में एक और था आदमी, मेरा दोस्त, वो भी गया है थोड़ी, जो भी ये भी क्या बोलते उसको यार, नार्सिक का रोप, उसमें दवाई छिटने गया अभी, क्योंकि अभी नार्सिक लगाएंगे। प्याज भी, नार्सिक प्याज के रोप में वो गए हैं और हम, मैं नींद रहा हूँ। जैसे आप देख रहे ये खेत है इतना बड़ा, और इधर फार्म हाउस आपको दिख रहा होगा, ये फार्म हाउस है। और दिन भर नींदना ही पड़ता हमको। तो गाइस, आप लोग जो आप देख रहे हैं वो आप कमेंट करें मेरे को कि आप कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि मेरे को भी पता चले कि मेरे गरीब आदमी का भी, मतलब मजदूर आदमी का भी, कहाँ कहाँ से लोग उन वीडियो देखते हैं, कहाँ से नहीं देखते हैं। हमें भी पता चले कि गरीब आदमी भी, गरीब आदमी को कहाँ कहाँ लोग देखते हैं। ये चारा, चारा कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ख़राब है। इसको बोलते हैं बोखना, जो कि दवाई से, दवाई से भी नहीं मरता, कुछ भी नहीं मरता, कुछ से भी। दवाई कितनी छिट दी इसमें, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होता खेत में। किसानों को क्या कुछ तो ये, इसकी दिक्कत होती है कि ये चारा मरता ही नहीं। बोखना जो है, बोखने के लिए कोई ना कोई तो दवाई बनाओ आप लोग साइंटिस्टों। इसको यहाँ पे फेंक दिया जाता है। अब दूसरी पात लेंगे हम, क्योंकि ये जो लेके आ गए हम, अब दूसरी लेंगे। इसमें भी कुछ चारा है छोटा छोटा, इसको उखाड़ देते हैं। ये वीडियो कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, जो कि इसे इन पत्तों पत्तों में जो वीडियो चल रहा है, ये मज़ा आ रहा है इस वीडियो में, मज़ा आ गया। अरे दोस्तों, कमर दुख जाती है उकड़े 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 चलने में, नींदने में कमर का भाजी पाला बन जाता कमरों का। तो कमर जी, बोखना उखाड़ना है, खेत में इसको नहीं रखना है, उखाड़ के फेंक दो इसको, अगर दवाई से नहीं मर रहा है दोस्तों। इसका कोई इलाज नहीं, बस उखाड़ कर खेत में से बाहर करो इसको, क्योंकि ये दवाई से तो मरता है नहीं। फिर भी अगर इसकी कोई दवाई बन के आ जाती है तो अच्छी है। कितना हो रहा है ये चारों खड़ेंगे, ये बैठ कर फर्स्ट क्लास, इसमें मज़ा। और एक बात बताऊँ तो दोस्तों मैं आपको, कि शहर की जो नौकरी है उससे अच्छा हमें खेती का काम लगता है, जो कि हम दिलो जान से काम करते हैं खेती का। खेती का काम करना मज़ा ही है, अलग ही मज़ा है खेती का काम करने में दोस्तों।
और एक और बात बता दूं दोस्तों मैं, कि जैसे कि ये जो तुअर है इसकी एक बात हमारे जैसे दिमाग में जो है, जैसे कि हम यहाँ से इसको बोते हैं, खेत में उगाते हैं, पकाते हैं, फिर इतने कम भाव में क्यों जाती है आखिर में? और यही तुअर वापस तेल बनाकर हमको दिया जाता है इसका, वो कितना महंगा तेल, हर चीज़ का। जैसे हम किसान लोग हैं जो खेत में लगाते हैं, वापस खेत में लगा कर मंडी लेके जाते हैं, मंडी से वापस मतलब और कहीं भी जाता होगा लेकिन पता नहीं इतना मेरे को, लेकिन वापस वहाँ से पैकेट में बन के आता है, वो इतना महंगा क्यों होता है? और पैकेटों में क्या कोई कोई ख़राब भी निकल जाता है, इतना महंगा। और जो हम देसी जो खेत में से निकाल के शुद्ध जो हम बेचते हैं, वो इतना सस्ता क्यों जाता है? कमेंट में बताना दोस्तों कोई ना कोई, हमें भी तो पता चलेगा क्यों आखिर ऐसा क्यों जाता है, कमेंट में बताना आप लोग। इतनी मेहनत करते हैं हम, 4 महीने, 4 महीने तुअर में मेहनत करते हैं हम, तब जाके पकती है तुअर ये। और 4 महीने की मेहनत का भाव ही नहीं है कुछ, कुछ ना कुछ तो भाव, तो ये तो दुकान पे कम देनी चाहिए दुकान पे। और एक बात और, जैसे कि ये तुअर 22-18 तुअर है जो नया बीज आया अभी, ये वो है 22-18। इसका मैं आपको फाल दिखा दूं कैसा क्या फाल है, ये देखो आप, फाल फाल देखोगे ना आप, ये ऊपर से लगा के तो आपको सही नहीं दिख रहा होगा, 3 गोड़ है ये, ऐसा फाल है हमारे, नई तुअर है ये 22-18 तुअर। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, शाम की 6:30 बज गई, अब छुट्टी हो गई, अब जा रहे हैं घर ये टिफिन लेके। कमर दुख रही है आज तो खतरनाक, उंगड़ उंगड़ चल के नींद के। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करना दोस्तों। जय जोहार, जय आदिवासी।